हमेशा परीक्षा हो नकल विहीन का आगाज, बच्चों को दिलवाई शपथ। भिंड जिले में नकल विहीन परीक्षाएं संचालित करने के लिए भिंड प्रशासन सतर्क हो गया है। इसी क्रम में भिंड कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी संबंधी समीक्षा बैठक जिला पंचायत कार्यालय भिंड के सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में एडीएम प्रवीण फूल पगारे, संयुक्त कलेक्टर वरुण अपस्थी, एसडीएम भिंड अटेर उदय सिंह सिकरवार, एसडीएम गोहद शुभम शर्मा, एसडीएम लाहा केवी विवेक, डिप्टी कलेक्टर आर ए प्रजापति और जिला शिक्षा अधिकारी हरि भुवन सिंह तोमर, सीएमएचओ डॉक्टर अजीत मिश्रा के साथ अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं नकल एक अभिशाप है के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जवासा में समस्त शिक्षकों और छात्र छात्राओं को नकल रहित परीक्षा के संचालन में अपना योगदान देने की शपथ दिलाई गई। जिले में आगामी 17 और 18 फरवरी से होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में रात के दौरान लहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कोरोना में बाधित हुए शिक्षा से बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए और लहार के बच्चों को मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में अपना स्थान बनाने के लिए संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि यदि कोई हमारी लहार तहसील का बेटा या बेटी मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में आता है तो उसकी जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी को उठाया जाएगा। मैं शपथ करता हूँ, मैं शपथ करता हूँ कि आगामी आगामी बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की नकल नहीं करूँगा। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल 17 फरवरी से होने वाली है। हमारे लाहौर क्षेत्र समेत समूचे भिंड जिले के छात्रों से और छात्राओं से अनुरोध है कि भिंड जिले के में नकल प्रथा जो लाहौर को छोड़कर चलती रही, उसको इस साल मेहनत करके, पढ़ाई करके, बिना नकल के अपने नाम में प्रवीण सूची में लाने का काम करें। ऐसे विद्यार्थियों को मैं अपनी ओर से पारितोषिक दूंगा, उनका सम्मान करूंगा। पूर्व में भी लाहौर में इसी प्रकार प्रतिवर्ष लगभग 1-2 बालक बालिकाएं कोविड सूची में आते रहे मध्य प्रदेश की, और मध्य लाहौर का नाम रोशन रहा है। हम पुनः अपील करते हैं कि आप सब मेहनत करके मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में अपना नाम रोशन करें और लाहौर क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाएं। प्रशासन की पूरी तैयारी है, इसमें हमारे जिले से जिले की टीमें बनाई जा रही हैं, सुपरवाइजिंग और फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जा रहे हैं। सब डिवीजन स्तर पर सभी एसडीएम की ओर से भी मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बिना सीसीटीवी कैमरे का कोई केंद्र नहीं होगा। प्रत्येक कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, उसकी मॉनिटरिंग विधिवत की जाएगी। भिंड जिले में कितने केंद्र बनाए गए हैं सर? भिंड जिले में कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें विद्यार्थी कितने भाग ले रहे हैं? हाई स्कूल के 23,608 और हायर सेकेंडरी के 13,833 बच्चे इसमें भाग लेंगे। और समस्त विभागों को लगाया गया है, इसमें हर विभाग के अधिकारी को प्रयोग किया जाएगा सुपरवाइजिंग के लिए। कुछ स्थायी पैनल भी रहेंगे जो वहीं बैठेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, और फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए जा रहे हैं। हमारे कलेक्टर महोदय वगैरह भी और एसपी साहब सभी भ्रमण करेंगे। सतत निगरानी रहेगी परीक्षा पर। सर, बच्चों के लिए कोई संदेश प्रेषित करना चाहेंगे आप? बच्चों के लिए ये संदेश यही है कि वो भयमुक्त होकर के और निष्पक्ष रूप से परीक्षा दें और नकल रहित, नकल का कोई ऑप्शन नहीं है, यही बच्चों को संदेश है। नकल से पास होकर के उनका भविष्य खराब रहता है इसलिए, और जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कुंठित हो जाते हैं कि नकल से परीक्षा देने वाले बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं और वो कुंठित